हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए शौर्य। मैं अभी भारत नगर जा रहा हूँ। रुक जाओ बालवीर, हम सब साथ चलेंगे। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं किकी, तुम्हें पता है ना, पृथ्वी पर तुम्हारी जान को खतरा है, तुम वहां नहीं आ सकती। माँ, हम पहले ही बहुत परियों खो चुके हैं और परियों को कुछ होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं बालवीर, तुम कमजोर हो रहे हो। लेकिन शौर्य, तुम्हें जरूरत पड़ेगी परियों की। हाँ बालवीर। इससे पहले काललोक वाले हमारे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। वाह भैरानी तिमनासा, हमने सुना है आप बालवीर से भय खा के भाग आई। भैरानी, हमारी भैरानी तो भय पोक निकली। अरे अरे अखरूर, ऐसा नहीं करते। इसमें नाराज होने वाली बात क्या है भला? वैसे भैमार, अगर तुम अपना ये कीमती समय ये बकवास चुटकुला बनाने में ना लगाते और मेरी चाल समझने में लगा लेते तो आज यहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने नहीं आते। अरे भैरानी, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये तो बेइज्जती कराते हैं शौकिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे बाहर। वैसे भैमार, मेरा मकसद बालवीर को मारना था ही नहीं, पर क्या है ना, तुम्हें कुछ बातें बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर समझ आती है। इससे क्या फायदा, बालवीर को तो वैसे भी पता चल ही जाएगा ना। बालवीर अगर परियों के साथ आ गया तो भैमार, कभी तो इस्तेमाल किया करो अपनी अक्ल का। नन्नी उंगली की कसम भैरानी, ये कहां से अकल इस्तेमाल करेगा, इसकी अकल तो मेरी नन्नी उंगली से भी छोटी है। मेरे सेनापति की बात सुनकर ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। मैंने तुम दोनों के ऊपर एक ऐसा ऊर्जा कवच बनाया जिससे तुम्हारे साथी जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो कभी तुम्हें नहीं देख पाएंगे कि तुम कहाँ हो। तुम हमारी चिंता मत करो, जब तक हम सब साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारी एकता ही हमारी ताकत है।
तुम परियों के साथ मिलकर पृथ्वी लोक जाओ, मैं यहाँ शौर्य के साथ रहकर आगे की योजना बनाती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो काल लोक वाले भी वहाँ आएंगे। इससे पहले कि वो मेरे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढना होगा। अब हम वीर लोग तभी वापस आएंगे जब हमें हमारा उत्तराधिकारी मिल जाएगा। चलो अब जल्दी से बता दो कि आखिर बालवीर पृथ्वी पर क्या कर रहा है। चलो जल्दी बताओ। नहीं बताओगी? नहीं तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ अक्रूर का खाना बनने के लिए। अक्रूर, देख लिया ना अंजाम ना बताने का? अब अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं तो मुझे बता दो बालवीर कहाँ है। बहुत घटन हो रही होगी ना इन पेड़ियों में, गुस्सा आ रहा होगा, जादू काम नहीं कर रहा। सही कहा तुमने सब, चाहे तुम मुझे भी मार डालोगी ना तब भी कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? कोई बात नहीं, ये जानने के लिए मुझे तुम्हारी जबान की नहीं, तुम्हारे दिमाग की जरूरत है और उसमें मैं माहिर हूं। मैंने मारा है बालवीर, तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। कोई तो तरीका होगा जिससे ये दुनिया अपने बालवीर को ना खोए। उसका एक ही रास्ता है, दुनिया को उसका नया बालवीर मिल जाए, पृथ्वी पे मिलेगा तुम्हें तुम्हारा उत्तराधिकारी। पृथ्वी पर दूसरा बालवीर? आप सभी ने अब तक बालवीर की कई काल्पनिक कहानियां तो सुनी होगी और कुछ बेवकूफ लोगों ने तो उसे सच भी मान लिया होगा, लेकिन सच तो सिर्फ ये है कि इस कॉलोनी का सिर्फ एक ही बॉडी गार्ड है जो अब उड़ने भी लगा है। तू उड़ने नहीं, फेंकने लगा है। ए इंसान के विष में घूमते हुए पाइनएप्पल, मैं उड़ा था मतलब उड़ा था, विवान कभी झूठ नहीं बोलता। विवान झूठ नहीं बोलता, बट ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ एक आधा झूठ बोला होगा मैंने कभी यूं ही पासिंग में, लेकिन ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं सच्चे में पूरे 10 फीट तक उड़ा था, वो भी बिना मेरी मर्जी के। इस भारत नगर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है और वो हमें पता करनी ही चाहिए। कर कर, पता चल जाए तो हमें भी याद से बता देना। चल चिंडी, और तुम भी का इसकी कहानियां सुनने में लगे हो, चलो सब। तू क्यों ऐसी बातें करके अपना पोपट करता रहता है और कुछ नहीं बचाता करने को जो अब तू उड़ने भी लग गया। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे तेज बाइक के चलने से आसपास के पत्ते उड़ने लगे हो, कहीं बालवीर रुके गए हो साइड से और तू भी उड़ने लगा हो। फिर कितनी बार कहूँ कि बालवीर बालवीर कुछ नहीं होता। धोनी परी, पानी परी, हमारे पास समय कम है इसलिए मैंने एक योजना बनाई, मुझे उसमें आप दोनों की मदद चाहिए। जैसा तुम कहो बाली, हम तुम्हारे साथ हैं। बस फिर जब हम सब साथ हैं तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
अब हमें नया बालवीर ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पे शक कर रहे ना ये लोग, पता तो मैं करके रहूंगा कि इस भारत नगर में क्या गड़बड़ चल रही है। के अंदर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। तो ये लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है? ये तो जादू हो रहा है। विवान क्या कर, देखो क्या हो रहा है। अंकल की ऊपर नीचे होने से घड़ी की लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है? हाँ, गाड़ी में कोई बैठा भी नहीं है। देखा, मैं नहीं कह रहा था, उस कॉलोनी में कोई तो है जो जादूगर है। लगता ही वही अंकल है। मैं अभी जाके इसकी क्लास लेता हूँ। अरे विवान क्या कर रहा है? एक तो साइज में बड़े है, ऊपर से जादूगर भी है। आइडिया, सारे बच्चों को इकट्ठा कर साथ में अटैक करते हैं, कहीं हाथ से ना निकल जाए। विवान सही कह रहा था, हमने अपनी आंखों से देखा है, एक जादूगर है वहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ, लाइफ में कुछ भी करना, बस विवान पे शक मत करना। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। आज तो उस जादूगर को पकड़ के पूछेंगे कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। दूसरा बालवीर पृथ्वी पर है, वो तुम्हारा उत्तराधिकारी है बालवीर, उसे ढूंढना होगा, ढूंढना होगा। तिमनासा, जब से तुमने नए बालवीर के होने की खबर सुनी है डर सी गई हो। डर तो गई हूँ भैमार, लेकिन अपने लिए नहीं, इस काल लोक के लिए। अगर उन्हें उनका उत्तराधिकारी मिल गया तो उनकी शक्तियां दोगुना हो जाएंगी, जो इस काल लोक के लिए खतरे का संकेत है। हमारा ये काल लोक खत्म हो सकता है। यहाँ चाहे किसी का भी राज चले तिमनासा, ये काल लोक मेरा घर है और अपने घर पे कभी आंच नहीं आने दूंगा मैं। ये काल लोक मेरा घर है और अपने घर पे कभी आंच नहीं आने दूंगा मैं। काल लोक के लिए तुम्हारी वफादारी जानती हूं मैं भैमार। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी भैमार। हम दोनों की जंग चलती रहेगी, पर बालवीर के खिलाफ इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। काल लोक के लिए तुम्हारी वफादारी को लेकर मुझे कोई शक नहीं है भैमार। करना सिर्फ इतना होगा कि जहां तुमने आखिरी बार बालवीर को छोड़ा था उसका उत्तराधिकारी वहीं ढूंढना होगा। उसके हाथ पर कुछ ऐसा निशान होगा। हमें बालवीर को नहीं उसके उत्तराधिकारी को ढूंढना है। तुम मेरे साथ हो ना भैमार?
मैं काल लोक के साथ हूं। यहाँ के लोग मुझे उस दिन की लड़ाई की वजह से जानते हैं, इसलिए हमें संभल कर नए बालवीर को ढूंढना होगा। पानी परी, ध्वनि परी, क्या वो बुलबुले तैयार है जिसके लिए मैंने आपसे कहा था? ये लो बालवीर, जैसी ध्वनि तुम्हें चाहिए थी ध्वनि परी ने बिल्कुल वैसी ही ध्वनि इन बुलबुलों में मिला दी है। हाँ, ये देखने में मामूली बुलबुले होंगे, लेकिन इनमें वो खास ध्वनि है जो कि बच्चों के कान में जैसे ही पड़ेगी सारे बच्चे खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। और अगर बड़ों के कान में पड़ेगी तो वो चैन से सो जाएंगे, लेकिन जब तुम चाहोगे तब। अब जल्दी ही मिल जाएगा हमें हमारा उत्तराधिकारी। भारत नगर के सारे बच्चे यहीं मिल गए, इनमें से कोई होगा मेरा उत्तराधिकारी। गाड़ी की लाइट आप ऑन ऑफ कर रहे थे? और नहीं तो क्या, अरे इन्हीं की तो गाड़ी है। तुम लोगों ने मुझे मार डाला। आई। क्या हो रहा है ये? अरे मुन्ना जी, आप इतने पिटे पिटे क्यों लग रहे हैं? पिटे पिटे क्यों लग रहे हैं? रे आपके बेटे विवान ने और उसकी टोली ने मिल मिल कर बहुत पीटा है। बोलो नहीं सुनो, किसका आइडिया था मिश्रा जी को पीटने का? हाँ आगे आओ। विवान तू सुधरेगा नहीं ना? अरे जिस मोहल्ले में नया बालवीर है उसी मोहल्ले में दूसरी तरफ ऐसा बच्चा है जिसमें काल लोक के सारे लक्षण है। अरे मम्मी, मेरी पिटाई करी से पहले मेरे अंकल को मारने का रीजन तो सुन लो। क्या क्या? अरे मुझे लगा ये वो अंकल है जो जादू से बच्चों को हवा में उड़ाते हैं। क्या? अरे आप बातचीत बंद करिए, इसको पीटिए। तुझे तो मैं बता नहीं मम्मी, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ भाग रहे? दौड़ो नहीं, रुको। बालवीर जैसा बेटा चाहा था मैंने, डाकू जैसा हो गया। हाँ मैं वो वाला डाकू जो मोहल्ले वालों की मुसीबत पे डाका डाल दो। अच्छा बता दिया तुझे। कितना शरारती बच्चा है ये, मैंने कुछ नहीं किया।
कैसे ढूंढेंगे हम हमारा उत्तराधिकारी? नीचे करो, क्या चल रहा है? कोई लेगा नहीं, रात को डिनर में दूधी बनने वाली है। शौर्य, क्या बात है? किस सोच में डूबे हैं आप? समय की गति देख रहा था बालपरी। बाकी परियां आ गईं? वो बस आती ही होंगी शौर्य। वो जानती हैं कि सूरज डूबने से पहले पहले उन्हें धरती लोक छोड़ना होगा। लोक पे वहां की रानी तिन्नासा। नन्ही उंगली की कसम, अखरूर की तो 6 दिन की वो होगी। दावत हर दिन एक नई परी खाएगा। वैसे थोड़ी बहुत तो मैं भी चख लूंगा। परियो होशियार, परियां कितनी मासूम, कितनी नादान होती है ना चपताली। लेकिन मुझे नफरत है मासूमियत से। कैसे फटाक से रात हो गई? ऐसे अचानक लाइट गई जैसे सूरज ने बिजली का बिल ना भरा। मेरा शक सही निकला, ये पक्का तिन्नासा की कोई चाल है। पर ये खतरे में है। रुको रे, ए थाम रे, ए कुटे पड़ तो महाराज जरूर मारा क्या? आप भी मारे जाओगे, सही मौका है, निकलो यहाँ से चलते। किधर गया? उठ गया? इधर सोता साहब। परियां अभी तक नहीं आई शौर्य, मुझे कुछ गलत आभास हो रहा है। सिंसुरा
परियों को सावधानी से रहना पड़ेगा। जादू नहीं चल रहा तुम्हारा? यह हार मान ली क्या है ना, पृथ्वी पर मेरा नहीं चलता जादू और यहाँ तुम्हारा नहीं चलता जादू, लेकिन यहाँ तुम्हारा वो जरूर बनेगा खाना। अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो हमें मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर, 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 बालवीर। शौर्य क्यों बुलाया मुझे यहाँ? परिया मुझे पुकार रही थी और उन्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ? इसीलिए बुलाया है बालवीर, हम परियों को भी बचाएंगे और तिमनासा को भी खत्म कर देंगे आज, पर तुम अकेले नहीं, हम दोनों साथ में मिलकर। तो चलिए शौर्य, किस बात की देरी, परिया मुसीबत में है। बालवीर, बालवीर, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि सारी परिया सिंसोरा ग्रह पे है। सिंसोरा ग्रह? हाँ बालवीर, जहां पे सिर्फ तिमनासा का काला जादू चलता है, हमारा नहीं। बालवीर, हमें आभास तो हुआ था कि परियां खतरे में है, हम परियों को बचाने वहां गए भी थे, पर सिंसोरा ग्रह पर तिमनासा का जादू इतना गहरा है कि हम वहां उतर भी ना सके। तो अब क्या करेंगे शौर्य, हम उन्हें वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ बालवीर, एक रास्ता है बालवीर, मैंने अपनी सारी ऊर्जा से यह दायरा बनाया है, इस दायरे के अंदर जैसे ही तिमनासा आएगी, सिंसोरा में उसका जादू खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं तिमनासा को इस दायरे के अंदर ले आऊं, तो हम मिलकर तिमनासा को आज खत्म कर देंगे। बालवीर याद रखना, सिंसोरा में हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ मानसिक शक्ति के जरिए बात करेंगे। की कसम, बालवीर अब बालवीर नहीं रहा, लगता है वो हो गया। बाल कायर नहीं आएगा वो। बहरानी, मैं तो कहता हूँ बाल ले चलते हैं काल लोक पे। जब दाली इन वीरों की एक कमजोरी होती है कि अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचते हैं। मैं जानती हूँ कि बालवीर इन परियों को बचाने के लिए जरूर आएगा।
रानी। बालवीर, दिल से बुलाया। बालवीर आया। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही तिमनासा। वीर जो होते हैं दिल से सोचते हैं, लेकिन वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। और इस बात का अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा। अच्छा, तो बताओ कैसे लड़ोगे मुझसे? अकेले? निहत्ते? बिना जादू के? जादू से वीरता का प्रमाण नहीं मिलता, बाजुओं से मिलता है। वो दायरा बन चुका है बालवीर, अब हम अपना खेल शुरू कर सकते हैं। हाँ शौर्य, अगर हिम्मत है तो बिना जादू के लड़के बताओ, फिर पता चल जाएगा असली वीर दिल से होता है या भय से। है हिम्मत? नहीं नहीं बहन, परियां बासी हो रही हैं और फिर अखरूर भी तो भूखा है, आप इसकी बातों में मत आइए। तुम्हारी शर्त मंजूर है मुझे बालवीर। जादू के बिना मेरी ताकत देखोगे बालवीर? अब तुम्हारा वक्त शुरू होता है बालवीर। और तिमनासा का खत्म। We'll be right back.
शाबाश बालवीर, बस इसे कैसे भी करके दायरे के अंदर ले आओ। तुम्हारी कमजोरी पता है क्या है बालवीर? तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी अच्छाई जो दुनिया को बचाना चाहती है। लेकिन दुनिया पर राज उन्हें बचा कर नहीं, उन्हें डरा कर किया जाता है। डर से जीती गई हुकूमत हमेशा के लिए नहीं टिकती। प्यार से किसी का दिल जीत लो, वो हमेशा के लिए अपना बन जाता है। फिर से वही प्यार। बालवीर, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। यह दायरा बस कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा। चिंता मत करो शौर्य, आज तिमनासा का घमंड ही उसे खत्म करेगा। मैं तुझे मारने के बाद 100 और मारूंगी, और बाकी के 200 जो अच्छा बनने की सोच भी रहे होंगे ना, अपने आप घुटने टेक देंगे। और फिर मैं राज करूंगी। तुम निहत्ते लड़ते अच्छे नहीं लगते बालवीर। तलवार चलानी आती है? मैं तिमनासा को सही दिशा दिखाऊंगा। शाबाश बालवीर। समय बहुत कम रह गया है, परियों की जान मुश्किल में है। मैं परियों को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। काश कि तुम्हें किसी ने बचपन में अच्छाई और बुराई का फर्क समझाया होता। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है तुम में। वक्त बहुत कम है, दायरा ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। बस 2 कदम और आगे बालवीर, बस 2 कदम। उठो बालवीर, उठो। बस 2 कदम और तिमनासा, फिर तुम्हारा खेल खत्म। तरस आ रहा है मुझे तुम पर बालवीर, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा दायरा है।
दायरे के उस पार तुम खड़े हो बालवीर, और इस पार मैं। इसे दायरे के बारे में कैसे पता चला? बालपरी, मुझे पता है काल लोक वालों को अपने लोक पर आने से कैसे रोकना है। ये सब क्या है मस्ती परी? बालपरी, देखने में तो ये स्वागत का इंतजाम लगता है, पर असल में चमकीले विस्फोटक गोले हैं। इस पर जैसे ही काल लोक वाले अपने पैर रखेंगे, ये फट पड़ेंगे और सीधा जाकर गिरेंगे पृथ्वी पर। वहाँ उनकी शक्तियाँ तो काम नहीं करेंगी, पर हमारी करेंगी। किसके स्वागत की तैयारी चल रही है? आप मुझे काम दे दो, मेरे अंदर में काम करने की बहुत इच्छा जाग रही है, समझे कि नहीं समझे? तुम्हारे लिए भी एक काम है, और वो काम बहुत जरूरी है। वो काम ये है, ये लो, डुबा डुबा, ये चमकीले विस्फोटक गोले हैं। इसे ध्यान से शस्त्रागार में रख दो, और ध्यान रहे, हाँ? इस पर तुम्हारे पांव बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए, वरना ये फट पड़ेंगे और तुम सीधा जाकर गिरोगे पृथ्वी लोक पर। मैं डूबा डूबा हूँ, लेकिन मुझे तैरना आता है, समझे कि नहीं समझे? मुझे मस्ती परी और डूबा डूबा को परियों के बारे में नहीं बताना चाहिए, ये लोग चिंता करेंगे। मस्ती परी, अपने ये चमकीले विस्फोटक गोले वीरलोक की चारों तरफ फैला दो। है तो वीरलोक सबसे सुरक्षित, मगर जब तक शौर्य वापस नहीं आ जाते, हमें और भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तुम्हारे और मेरे बीच में जो दायरा है ना बालवीर, ये दायरा है औकात का। ये दायरा है तुम्हारी और मेरी शक्ति का, दायरा है तुम्हारे और मेरे विचारों का, जिसमें बहुत बड़ा फासला है। ओह, तो ये इस दायरे की बात कर रही थी। और आज मैं इस फासले के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगी, और फिर इस दुनिया पर मैं राज करूंगी, ये दुनिया मेरी होगी। यही तो मैं चाहता हूं कि ये फासला खत्म हो। बालवीर, तिमनासा को इस दायरे में लाओ, किसी भी समय दायरा खत्म हो सकता है। अपने इस ढीठपन से तुम अपनी और अपनी परियों की कुछ पल के लिए जान तो बचा सकते हो बालवीर, लेकिन मौत तो तय है। मौत तो तय है, लेकिन मेरी नहीं, तुम्हारे तिमनासा। एक बार इस दायरे में आ जाओ। बस एक कदम और तिमनासा, एक कदम। बालवीर के चेहरे पर इतना आत्मविश्वास क्यों है? कुछ तो है।
चाल चली तूने मेरे साथ। तुझे क्या लगा तिमनासा को मारना इतना आसान है? अब या तो तिमनासा को मार या बचा ले अपनी परियों को। परियों का बचाओ बालवीर। बालवीर, 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 बालवीर। हमें तिमनासा की शक्ति को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। आज उसने जो किया वो दोबारा। बालवीर, शौर्य, परिया सब ठीक तो है ना? बालवीर, नेत्र परी और सरल परी कहाँ है? शौर्य, कहाँ है दोनों परी? कहीं कहीं तिमनासा ने उनको। कुछ नहीं होगा उन्हें, मुझे उनकी ऊर्जा तलाशने दो। मम्मी, मम्मी मुड़ो नहीं, देखो मैं आपके लिए अदरक इलायची वाली चाय बना के लेके आया हूँ अपने हाथों से। नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय, इतना तंग करता है, पर सॉरी बोलना नहीं आता तुझे। माँ मैं सॉरी हूँ, बस बोल नहीं सकता। सलमान भाई कहते हैं कि फ्रेंडशिप में ना थैंक यू होता है ना सॉरी, और आप तो मेरी फ्रेंड ही हो ना। अब बोलो नहीं, सुनो, मैं फ्रेंड थी पर अब नहीं हूँ। तंग आ गई हूँ तेरे रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। मम्मी मैं तो बस मोहल्ले वालों को उस बदमाश गंडे से बचाने के लिए लड़ रहा था। क्यों? क्यों बचाना है तुझे सबको? बालवीर है तू। मम्मी आप मुझे नालायक बोलो, गधा बोलो, जो बोलना है बोलो, बस बालवीर मत बोलो, क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो मैं कैसे हो सकता हूँ? वैसे हूँ तो मैं गधा भी नहीं। है तू गधा, क्योंकि बालवीर सही में होता है। आज उसी ने बचाया है तेरी मम्मी को एक एक्सीडेंट से। क्या एक्सीडेंट? मम्मी आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बालवीर की वजह से। मैम आप बहुत लकी हो, आपको बालवीर ने बचाया। मैं देख नहीं पाई उसे, पर वहाँ के लोगों ने बताया कि मुझे खुद बालवीर ने बचाया था। लोग तो कहेंगे कि आपको सुपरमैन ने बचाया, तो आप मान लोगे क्या? बस अब बोलो नहीं, सुनो, अगर मुझसे बात करनी है तो तुझे बालवीर को और उसकी सीख को मानना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। मम्मी मैं आपको मनाने के लिए सब कुछ मानने को तैयार हूँ, बस आपके लिए, कुछ बालवीर के लिए। मम्मा अब से पक्का कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे कहाँ गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गड़बड़। कहाँ गया ये, क्या हो गया मुझसे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या? अरे 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 लड्डू, जेब से निकल के अपने आप नहीं उड़ा करते, समझे कि नहीं समझे? अरे लड्डू, ए लड्डू, ए ए लड्डू, ए लड्डू, लड्डू। किकी तुम? डुबा डुबा ये मेरे लड्डू थे, तुमने क्यों लिए? वो तो मैं तुम्हारी सूंघने की शक्ति जांच रहा था,
तुम जैसा सूंघ सकती हो दुनिया में कोई नहीं सूंघ सकता। जंगल में राई का दाना ढूंढ लेती हो तुम। हाँ वो तो है, मेरी जैसी कोई दूसरी नहीं। ये मेरी नाक नहीं, लंबी वाली तो आँख है, कुछ नहीं छुपता मुझसे। अच्छा किकी, मेरा एक काम कर दोगी? वो क्या है ना, मस्ती परी ने मुझे टोकरी रखने के लिए दी थी, वो मैं कहाँ रखा हूँ भूल गया हूँ। क्या तुम मेरे लिए ढूंढ दोगी? ठीक है, मैं तुम्हारी टोकरी ढूंढती हूँ। अरे अरे किकी मिला? किकी जरा वहां ढूंढना, आराम से। किकी झरना सभा कक्ष तो हमने ढूंढ लिया, अब बस ये बगीचा ही बच गया। यहाँ तुम्हें वो टोकरी जरूर मिल जाएगी। किकी तो धरती लोक में पहुंच गई होगी, वहां की हवा तो किकी के लिए जहर है। किकी के प्राणों को तो खतरा है। अरे किकी, ये कहां आ गई मैं? यहां से वीर-लोक का रास्ता कहां से है? आज के बाद हम कसम खाते हैं, कि कोई तोड़फोड़ नहीं मचाएंगे, हम तो वैसे भी नहीं बचाते, तू अपनी देख। मैंने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया है कि आज के बाद नो तोड़फोड़, हर क्रिकेट खेलूंगा तो भी बिना कांच तोड़े। यकीन नहीं हो रहा ना, चल बॉल डाल। अरे किसी को पता नहीं चले, भागो। क्या हुआ शौर्य, कहाँ है वो दोनों? उनका कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब हार पे हार, और कितना हारेंगे हम तिमनासा से, और कितनी परियां खोएंगे। आज मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूं, ना ही जाके मैं उस तिमनासा को मार सकता हूं, और ना ही मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल रहा है। खुशबू भी नहीं आ रही। ये तो बाल
में किसे उठ गया? ये बालवीर नहीं, कोई बच्चा है। बालवीर तो मिला नहीं, भागो यहाँ से। मैं अब उड़ने भी लग गया। अरे किकी, किकी कहाँ गई? अरे कहाँ गिर गई बेचारी किकी? किकी किकी आए हाथ में। ये तो चलते ही रहते धरती लोक पर, मैं तो भूल ही गया था। लगता है प्रदूषण की वजह से सूंघने की शक्ति भी कमजोर हो गई मेरी। सूंघने चली थी बालवीर, कोई बच्चा सूंघ बैठी। मिल गई किकी, किकी किकी कहाँ थी तुम? डूबा डूबा मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छी किकी, किकी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। हाँ और अभी पता है क्या हुआ? मैंने ना अच्छी पहले वीर लोग चलो वही बात करते, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, समझे कि नहीं समझे? अपने लोग की खुशबू ही अलग होती है। समझे कि नहीं समझे? मैं तो समझ गई, मेरी नाक को सब ठीक समझ आने लग जाए बस। अच्छी बालवीर अभी पता है नीचे क्या हुआ? मैं पृथ्वी पे गई थी, वहाँ मैंने सूंघा, मुझे तुम्हारी सुगंध आई। ये तो बालवीर की खुशबू है। पता चला वो तुम नहीं कोई और लड़का था। लड़का? हाँ ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ये सूंघा किसी और को और पकड़ में आया कोई और। ये तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा बालवीर। तुमने उसे कहाँ देखा था किकी? पता नहीं, मैं तो घबरा गई थी, सोच रही थी कि कहीं ये नर्क तो नहीं। डूबा डूबा ने बताया कि पृथ्वी है। हाँ हाँ मुझे बताइए ये मुझे कहाँ मिली थी? मैंने एक बड़े से द्वार पर लिखा हुआ देखा था। भारत नगर। इसका मतलब मेरा उत्तराधिकारी भारत नगर में। इस भारत नगर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। भारत नगर?